वर्षा से बात कर सकते हैं? Do you have an appointment? No, पर वो मुझे जानती है. What's your name? सपना. Just a minute. When did you get this? Oh, वर्षा. Hi. टैटू करवाते वक्त जितना दर्द हुआ था ना, उससे थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है. अब तक तो ठीक ही था, so I thought I'd check with you before I go to the doctor. इस बात को एक साल हो गया ना? अगर कोई प्रॉब्लम होती तो उसका रिएक्शन उसी वक्त हो जाता, इतने दिनों के बाद नहीं. तुम्हें जो पेन हो रहा है उसका इस टैटू से कोई संबंध नहीं है. बट जस्ट गेट इट चेक्ड. ओके थैंक्स. सपना, जिस दिन तुमने टैटू बनवाया मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की. आई कॉल्ड, टेक्स्टेड यू, पर पता नहीं हमारी बात नहीं हो पाई. मैं तुम्हारे घर भी आई थी पर तुम मिली नहीं. बैठ के बात करें. कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक? नो, आई एम गुड, थैंक यू. जब कोई अपना करीबी मर जाता है तो कई लोग उनकी याद में कभी कभार टैटू बनवाते हैं. पिछले कुछ सालों से जैसे ही एक नया ट्रेंड ही बन गया है. वो टैटू इंक में थोड़ी सी राख मिलाकर ये टैटू बनाने को कहते हैं. वो मानते हैं कि उनके जाने के बाद भी वो उनके साथ ही हैं. ऐसा करने से वो अपने चाहने वालों को हमेशा के लिए अपने में समा लेते हैं, ऐसा उनका मानना है. दिस इज़ कॉल्ड अ मेमोरियल टैटू. हाँ, लेकिन ये सब तो मुझे क्यों बता रही हो? तुम्हारे हाथ में जो टैटू है वो मेमोरियल इंक से बना हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी. जिस दिन तुम यहाँ टैटू बनवाने आई थी उस दिन एक औरत भी यहाँ राख लेकर टैटू बनवाने आई हुई थी. अब उनके लिए बनाई हुई इंक से बाय मिस्टेक मैंने तुम्हारा टैटू बना दिया. उसमें बहुत ही कम रिमेन्स डाले थे सपना, फिक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ है. देखो देखो, ये वन सेकेंड, लिसन टू मी, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू. मैं इससे पहले भी मेमोरियल टैटू बना चुकी हूँ सपना, आई रियली नो इट. कुछ नहीं होगा. एक मिनट, किसी के बॉडी के रिमेंस मेरे हाथ में मेरे खून में मिले हुए हैं और तुम कह रही हो कुछ हुआ ही नहीं है? हां, हैव यू लॉस्ट इट? वेरी सॉरी. सॉरी क्या? इट वाज अ जेन्युइन मिस्टेक. आई रियली सॉरी. क्या? आई एम रियली सॉरी सपना. देखो, तुम्हारे इस पेन का इस टैटू से कोई संबंध नहीं.